भाई वो ट्रे आइटम तौर पर वंचित बहुजन आघाड़ी में अल्हम्दुलिल्लाह शमूलियतें बढ़ी हुई है, लोग सहभागी हो रहे हैं। शाहीन बाग के औरंगाबाद शाहीन बाग के संयोजक के तौर पे कार्यरत कामगार संगठन में काम करने वाले सामाजिक कारकुन अली जनाब गलीस अहमद साहब ने आज वंचित बहुजन आघाड़ी में सहभागिता ली है, शामिल हुए हैं। और आज इनके प्रवेश के औचित्य पे उन्होंने एक जिम्मेदारी ली है कि मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल और वंचित की क्या नीतियां हैं, पॉलिसियां हैं, इस मौजू के ऊपर आने वाली 26 दिसंबर को औरंगाबाद शहर में मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर पर एक बहुत अच्छा जलसा रखा गया है, जिसमें दो तरफा सवालात और जवाबात के तौर पे मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल क्या होना चाहिए, मुसलमानों का राजनीतिक एजेंडा क्या होना चाहिए, इसके ऊपर एक गुफ्तगू रखी गई है। मैं आपके ज़रिए औरंगाबाद शहर के सभी तालीम याफ्ता सभी इंटेलेक्चुअल लोगों से अपील करता हूँ कि आप 26 दिसंबर को मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर के उस प्रोग्राम में शिरकत कीजिए। कौम की फिक्र और जिक्र करने वाले तमाम तबकों से मेरी अथवाना अपील है कि आइए, अपने सियासी मुस्तकबिल के ऊपर आज बेदार होने का वक्त है और जानने की जरूरत है कि इसके ऊपर कौन सी पार्टी क्या पॉलिसी रखती है, उनसे सवालात पूछने का वक्त है। हम आगे आए हैं, हम कह रहे हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी मुसलमानों को लेकर क्या फिक्र रखती है, क्या पॉलिसी रखती है, क्या मुस्लिम एजेंडा हमारे पास है, ये हम बयान करने के लिए तैयार है। कोई पार्टी तैयार है वो भी सामने आए, लेकिन हम तो आज पहल कर रहे हैं और हम कहते हैं नौजवानों से कि आइए, हमसे रुजू हुई, हमसे पूछिए, हमसे रब कायम कीजिए, हमसे गुफ्तगू कीजिए, हमसे सवाल कीजिए, हम आपके हर इंशाल्लाह हर सवाल का जवाब देंगे। और आने वाले दिनों के अंदर मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल संवारने का जो प्रोग्राम, जो ब्लूप्रिंट अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब की क़यादत में वंचित बहुजन आघाड़ी के पास है, इंशाल्लाह वो कोई और पार्टी आपको नहीं दे पाएगी।